हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरूका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम मूंग दाल का चीला बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है। देखिए, इसको मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया था और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। देखिए, इस तरह से हमारी दाल भीग के तैयार हो गई है और इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया है और ये अच्छे से फूल भी गई है और क्वांटिटी में लगभग दुगनी हो गई है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये मिक्सर जार लिया है मैंने, इस तरह सारी दाल मिक्सर जार में डाल देंगे। दाल को मिक्सर जार में डालने के बाद हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। इसको मैंने बारीक काट लिया था। 3 हरी मिर्ची डाल देंगे और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। पीस लेंगे इसको। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें पानी भी डाल देंगे। हमारी मूंग की दाल पीस के तैयार हो गई है। देखिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं है, हल्का सा मैंने इसको कोर्सली ग्राउंड किया है और मैंने इसमें पीसते टाइम 1/4 कप पानी डाल दिया था। अब 1 बाउल में इस दाल के बैटर को डाल देंगे। इस तरह से ये सारे दाल का जो पेस्ट है इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मिला लेंगे सारे मसालों को। अगर दाल का बैटर हमें गाढ़ा लगे तो हम इसमें बाद में और भी पानी डाल देंगे और हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। मिला लेंगे। मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तो ये लगभग 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। हमें बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना ज़्यादा पतला चाहिए। बैटर गाढ़ा होने से चीले हमारे अच्छे से स्प्रेड नहीं होंगे। अब चलते हम अगले प्रोसेस की तरफ। तवा लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते तो इसको एक बार ऑयल स्प्रेड करने के बाद टिश्यू पेपर से इसको पोंछ सकते हैं। अब 1 चम्मच भर के मैंने बैटर डाल दिया है इसमें। अब इसको धीरे धीरे इस तरह से चमचे को गोल घुमाते हुए चीले को फैला लेंगे। चीला आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक सिकने देंगे। देखिए, चीला हमारा सिक गया है, ऊपर से इसका कलर भी चेंज हो गया है और चीला किनारी छोड़ने लगा है। तो इसको फ्लिप कर लेंगे और इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि चीला हमारा नीचे से भी सिक जाए। चीले को हम दूसरी साइड से हल्का ही सेकेंगे। अब फिर से ढक के हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको सिकने देंगे। 1 से 2 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए, चीला इस तरह से भी सिक के तैयार हो गया है। निकाल लेंगे इसको। अब हम इसी तरह से सारे चीले सेक लेंगे। तो दूसरा चीला भी हम इस तरह से फैला लेंगे। चीले को हमें पतला ही फैलाना है।
किनारों पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अगर आपको बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं आप, और ढक के फिर से 2 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे। देखिए किनारे छोड़ने लगा है चीला, पलट लेंगे इसको और दूसरी साइड से सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी चीला से सिक गया है, निकाल लेंगे इसको। इसी तरह से हमें सारे बैटर से चीले बना लेंगे और सर्व कर लेंगे। 1 कप मूंग की दाल से हमारे 6 चीले बनके तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।